हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का वोकेबुलरी का ये 8वां लेक्चर होगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें जो वर्ड रहेगा वो वर्ड पावर मेडिजी का और एसएससी की प्रीवियस क्वेश्चन और बैरन्स की वर्ड लिस्ट आती है, जीआरई की जो के लिए जो आती है, तो सबका कॉम्बिनेशन इसमें, और 2000 वर्ड का हमारा टारगेट है। तो 200 वर्ड अभी तक हो चुके हैं, और जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले का आप लोग लेक्चर देख लें वोकेब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 8वां लेक्चर का। फर्स्ट वर्ड हमारा आज का बायोप्सी। ऑटोप्सी मैंने आप लोगों को बताया था, पोस्टमार्टम होता है। ऑटो के अंदर पेस जाएगा तो मर जाएगा, तो फिर उसका क्या होगा? पोस्टमार्टम। तो वही ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम। बायोप्सी होता है ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद शरीर की जांच। तो बायोप्सी होगा, इसमें भी शरीर की जांच होगी, बट कब होगी? जो पर्सन बीमार रहेंगे उसका होगा, बीमार व्यक्ति का। एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ ए डिजीज पर्सन, इसमें बीमार व्यक्ति की शरीर का जाँच होगा। तो याद रखने के लिए B4 बीमार, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ऑटोप्सी पोस्टमार्टम और बी फोर बीमार। तो बीमार व्यक्ति के शरीर की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द डिजीज पर्सन। फिर है बिस्क। बिस्क एक टाइप का सूप होता है पीने वाला, ठीक है, जो कि सेल्फिश से बना होता है। तो याद करने के लिए बिस्क, बिस्क से बिस्की आप कीजिए, बिस्की पीने के लिए होता है। तो इस तरह से आप पीने के लिए रिलेट कर दीजिए सूप से, तो आपको याद हो जाएगा। फिर है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है भगवान की निंदा करना, भगवान के बारे में कुछ असम्मान तरीके से बात करना, उसे ब्लास्फेमी बोला जाता है। तो इसका जो नेमोनिक्स मैंने बनाया है वो है ब्लास, ब्लास से ब्लेस बनाया, और फेमी, फेम क्या होता है? फेम, नेम, फेम बोला जाता है मतलब फेमस, तो फेमी से फेमस बनाया। तो डैट इज, अगर गॉड का ब्लेस आशीर्वाद, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद चाहिए या फेमस होना है तो भगवान की निंदा या असम्मान मत करो, ठीक है। तो ब्लास ब्लेस चाहिए और फेमस, फेमस होना है तो भगवान की निंदा मत करो। तो ब्लास्फेमी हो गया भगवान की निंदा और असम्मान करना। फिर है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट होता है मतलब खुल्लम खुल्ला तरीके से शोर मचाते हुए, शोरगुल टाइप का बुरा हो रहा है उस टाइप का बोलते हैं ब्लेटेंट, नॉइजी साउंड टाइप का। तो अनप्लेजेंटली और ऑफेंसिवली नॉइजी, ग्लेरिंग वही हुआ, शोर मचाते हुए। तो निमोनिस जिसका मैंने बनाया है वह है ब्ला, ब्ला प्लस टेंट किया, तो ब्ला से ब्लास्ट कर लिया और टेंट से टी इन टी टेंट, तो जो शादी समय लगाया जाता है टेंट वो टेंट, तो ब्लास्ट टेंट। तो इसका जो मैंने बनाया फिर, तो डैट इज ब्लास्ट प्लस टेंट से, तो व्हेन द ऑफेंस ऑफ डूइंग ए ब्लास्ट इन टेंट वाज डन देर वाज लॉर्ड नॉइज एवरीवेयर। तो शादी समय जो शादी पटाखा वगैरह छोड़ा जाता है, बम वगैरह फोड़ा जाता है, तो टेंट के अंदर मान लीजिए बम फोड़ दिया कोई बच्चे ने, ब्लास्ट कर दिया, तो बहुत नॉइजी साउंड होता है, तो वही होता है लाउड नॉइजी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा शोर टाइप का, बम फटेगा तो ब्लास्ट होगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, ब्लेटेंट शोर मचाते हुए खुल्लम खुल्ला। फिर अब ब्लाइट। ब्लाइट मतलब होता है हानि पहुँचाने वाला, प्लांट्स के टर्म में होता है डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो बीमारी हो जाती है बहुत टाइप की, या दूसरे तरह से एनीथिंग दैट इंज्योर्स और डिस्ट्रॉयज मतलब जो खत्म कर देता है, नष्ट करता है मतलब जो हानि पहुंचाता है। तो नेमोनिक्स जिसका मैंने बनाया है बी प्लस लाइट, तो बी फॉर ब्लैक और लाइट तो लाइट ही रहा, तो बी फॉर ब्लैक, तो ब्लैक लाइट, तो ब्लैक लाइट से सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। आपको ब्लैक लाइट आपके ऊपर दिया जाएगा तो आपको बहुत गर्मी फील होगा, मतलब हानि पहुँचा रहा है आपको। अगर ब्लैक लाइट प्लांट वगैरह पे दिया जाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा, मतलब हानि पहुंचेगा। तो ये ब्लैक लाइट में डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, तो इससे आप याद रख सकते हैं। फिर है ब्लिथ। ब्लिथ होता है केयर फ्री, चिल टाइप का जो पर्सन होता है, जो चिल हमेशा मारते रहता है, कोई टेंशन नहीं, केयरफुल, जिंदा दिल, हंसमुख मतलब लाइट हार्टेड, कोई टेंशन वेंशन नहीं ले रहा है, एकदम केयर फ्री रह रहा है। तो ब्लिथ का जो मैंने बनाया बी प्लस LIT प्लस HE, अलग अलग मैंने तोड़ दिया तीन पार्ट में, तो बी से तो बी ही बन गया, LIT लाइट, लिट से लाइट बना दिया LIGHT, और ही से हार्टेड बना दिया, तो बी लाइट हार्टेड, ये जो है लाइट हार्ट, बी लाइट हार्टेड मतलब मस्त रहो खुश रहो उस टाइप का पर्सन है, तो बी लिट का हो गया बी लाइट हार्टेड। फिर है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड होता है बर्फ़ का तेज़ तूफान, ए सेवर स्नो स्टॉर्म जिसको आप बोलते हैं, विद हाई वाइंड, बहुत तेज़ हवा चलती है और दिखता नहीं है, जब बर्फ़ का बहुत तेज़ तूफान चलता है तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं, बहुत ही लो विजिबिलिटी आता है और बहुत तेज हवा चलती है। तो नेमोनिक्स जिसका मैंने बनाया है तूफान से, ब्ली से बर्फीली बनाया, तूफान से बर्फीली हो गया जार, जार कंटेनर जो होता है उसको जार बोला जाता है, तो तूफान से बर्फीली हो गया जार, मतलब जार रखा हुआ है, इतना तूफान हो रहा है स्नो स्टॉर्म कि वो पूरा बर्फ उसमें भर गया, तो हो गया तूफान से बर्फीली हो गया जार, ब्लिजार्ड, ब्ली प्लस जार्ड, जार्ड से जार ले लिया। फिर है ब्लर्ब।
इसका मुझे आइडिया नहीं रहता क्या एनिमल्स बनाओ, थोड़ा टफ टाइप का वर्ड हो रहा है एनिमल्स बनाने के लिए। तो इसमें ब्लर्फ का जो होता है मीनिंग, वो विज्ञापन टाइप का होता है, किसी चीज़ का प्रचार, बुक का जो होता है या मूवी का, तो मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बुक फिल्म इटीसी। जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो रहता है तो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उस वीडियो के बारे में एक तरह से आपको निचोड़ दिया जाता है क्या है उस वीडियो के बारे में। तो वही है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बुक फिल्म इटीसी फॉर इट्स प्रमोशन, किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका संक्षिप्त विवरण और विज्ञापन। ठीक है, तो नेमोनिक जो मैंने इसका बनाया है, ब्लर्ब को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, BLU ब्लू + R + B। तो BLU ब्लू से तो ब्लू ही हो गया, R से रेड हो गया, और B से बीकॉन हो गया। बीकॉन वो जो सायरन का आवाज़ आप सुनते हैं गाड़ी में, उसे बीकॉन बोला जाता है। अब तो हटा दिया गया है, अब तो सिर्फ एम्बुलेंस में है। तो वही है ब्लू और रेड, ऑफिशियल सब मिनिस्टर सब गाड़ी में लगा रहता था, अब तो हटा दिया गया है। तो वही उसी पे मैंने बना दिया है, ब्लू और रेड बीकन से प्रचार, प्रचार मतलब विज्ञापन जो होता है, प्रचार मत करो चुनाव का, तो इसे आप याद रख सकते हैं। फिर है ब्लस्टर, ब्लस्टर होता है जोर से एवं गुस्से में बातचीत, लाउड एंड एग्रेसिव टॉक। तो इसका जो मैंने बनाया है BLUST + R, ब्लस्ट से ब्लास्ट बनाया, अर से हर बना दिया, साउंड्स लाइक हो रहा है ब्लस्टर ब्लास्ट हर। तो ब्लास्ट ऑन हर, किसी पे आप मतलब ब्लास्ट कर रहे हैं, ब्लास्ट इन द सेंस टॉकिंग में, सो व्हेन यू ब्लास्ट समवन यू टॉक लाउडली, मतलब जोर से आप बोल रहे हैं डांट के एक तरह से गुस्से में। तो ब्लास्ट ऑन हर, ब्लस्टर से ब्लास्ट ऑन हर। फिर है बोहेमियन, बोहेमियन होता है जो सामाजिक रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है, पहनने का बोलने का समाज में किस तरह से आ जाता है उसको कुछ फॉलो नहीं करता, उसे ही बोहेमियन बोला जाता है, वो वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। तो इसका जो मैंने नेमोनिक्स बनाया है, तो बोहेमियन साउंड्स लाइक हो रहा है हीमैन, लास्ट में देखिए हीमियन से बोहेमियन से हीमैन। तो हीमैन, हीमैन मतलब आप जनरली मूवी डायलॉग सीरियल्स में आप डायलॉग सुनते होंगे, वो तो हीमैन है, मतलब थोड़ा अपने मन का मर्जी टाइप का, किसी का बात नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है कुछ। तो किड्स का फेवरेट होता है सुपर स्टार सब, वो हीमैन बोला जाता है। तो हु लुक्स वेरी इनफॉर्मल एंड अनकन्वेंशनल, मतलब जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, तो हीमैन आप याद रखते हैं बोहेमियन का। फिर है बोरोफ, बोरोफ होता है शहर के भीतर एक छोटा शहर, स्मॉल टाउन विद इन ए टाउन। तो इसका जो मैंने बनाया है, बस मेरा था कि आइडिया ये रहता है आपको किस तरह याद हो जाए, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ। तो बोरोफ में बोर है BOR, तो बोर्ड्स मैंने बोड़ी वाली बना लिया, बोड़ी वाली मुंबई में होता है, काफ़ी मूवीज़ में आप बोड़ी वाली का नाम सुनते होंगे, काफ़ी शो वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं। तो बोड़ी वाली जो एक एरिया है, छोटा सा शहर मानिए, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारा एरिया सब है, उसी तरह बोड़ी वाली है मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर। तो बॉम्बे बहुत बड़ा है आपका, बी टाउन बोला जाता है, तो उसके अंदर एक छोटा सा एरिया हो गया, छोटा सा बोलिए बोड़ी वाली, तो बोरो आप उससे बोड़ी वाली से याद रख सकते हैं। फिर है बॉसी, बॉसी तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, बॉसी का मतलब होता है जो हमेशा हुक्म चलाता है, दूसरे पीपल पे कमांड करता है। तो बॉस, बॉस किस टाइप के होते हैं, अकड़ू टाइप के होते हैं, हमेशा दूसरों को एडवाइस देते रहेंगे, कमांड करते रहते हैं पीपल, पीपल मतलब एम्प्लॉय को, तो बॉस से आप बॉस ही याद रख सकते हैं। फिर है बॉटल नेक, बॉटल नेक होता है जो किसी चीज़ के विकास को रोकता है, इन द सेंस कि मतलब देखिए ए सिचुएशन डेट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, कुछ चीज़ प्रोग्रेस कर रही है बट उसमें अब वो स्टॉप कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसका मैंने पिक्चर से आपको समझा दिया है, यहाँ पे बॉटल नेक याद रख सकते हैं। तो बॉटल का देखिए नीचे वाला जो पार्ट रहता है काफ़ी एरिया रहता है, मान लीजिए एक रास्ता है जिसमें काफ़ी लोग जा रहे हैं आराम से इसलिए जा रहे हैं, बट अचानक से बॉटल का जो नेक होता है वो एकदम पतला सा छोटा सा हो जाता है, तो अब कठिनाई होगी आदमी को जाने में रास्ते में जब अचानक से छोटा रास्ता हो जाएगा। अब इस तरह से आप समझिए कि SSC का देखिए एग्ज़ाम है, तो ये आने का तो बहुत सारा रास्ता है, फॉर्म तो बहुत 10 लाख 20 लाख 30 लाख बच्चे फिल कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद कितने निकल रहे हैं, 5 हज़ार 10 हज़ार। तो उसी तरह से बॉटल को आप समझिए, SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए बॉटल नेक को, तो मतलब आने का तो रास्ता बहुत है, देखिए इधर समझ लीजिए रास्ता है चौड़ा बट गर्दन नेक के पास पतला हो जाता है, तो अब निकलने का रास्ता बहुत कम है, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, तो उससे आप याद कर लीजिए बॉटल नेक को। फिर है बॉलीवुड, बॉलीवुड होता है जो हाईवे सब जो रहता है, तो हाईवे सब का बहुत चौड़ा रोड रहता है, तो दोनों साइड पे रहता है, तो उसे बॉलीवुड बोला जाता है। तो साउंड्स लाइक देखिए ब्रॉड रोड मैंने कर दिया है, ये ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद थ्री ट्रीज, तो नमन मैंने उसका सिंपल से बना दिया है बॉलीवुड ब्रॉड रोड, बॉलीवुड ब्रॉड रोड ब्रॉड रोड, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर है बॉकेट, बॉकेट होता है फूलों का गुलदस्ता, एन अट्रैक्टिव अट्रैक्टिवली अरेंज बंच ऑफ फ्लावर्स, काफ़ी सारा फूलों का जो गुच्छा होता है उसे गुलदस्ता, वही बॉकेट होता है। तो नेमोनिक्स जो मैंने इसका बनाया है बो, बो से बोया बना दिया,
बॉय ने यू यू तुम्हें बॉय ने तुम्हें दिया फूलों का गुलदस्ता, तो तुम क्वेट से क्वाइट बना दिया। मैंने क्वाइट शांत हो गई, मतलब किसी बॉय ने लड़की को फूलों का गुलदस्ता दिया तो वो शांत हो गई, तो बॉकेट बॉय से अपलेट करके याद कर सकते हैं। फिर है बॉर्जियस, बॉर्जियस होता है मिडिल क्लास का मेंबर, मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर है, मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास मतलब मध्यवर्गीय फैमिली का जो मेंबर होता है। तो नमोनिस जिसका मैंने बनाया है बॉर्जियस में बीओ है, तो ब्रो प्लस अर्ज, डैट इज ब्रो यू हैव अर्ज टू बाय थिंग्स कॉस्टली, मतलब कॉस्टलियर थिंग। तो मैं मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको महंगी चीज़ खरीदने की अर्ज, मतलब एक इच्छा टाइप का है, तो ब्रो यू हैव अर्ज टू बाय थिंग्स कॉस्टली, तो देन मतलब कॉस्टली चीज़ खरीदने का आपको इच्छा तो है बट पैसा नहीं है, तो किस टाइप की कैटेगरी आएंगे, मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत होती है मिडिल क्लास फैमिली की बट पूर्ति नहीं हो पाता है, तो वही है, इससे मैंने रिलेट कर दिया। तो ब्रो यू हैव अर्ज, अर्ज से आप रिलेट कर लीजिएगा, यू आर जी अर्ज जो है बी ओ से ब्रो, तो ब्रो यू हैव अर्ज देन यू आर मिडिल क्लास में। फिर है बोविन, बोविन होता है गाय की तरह, कॉ से रिलेटेड, कॉ लाइक। तो एक तो बी ओ भी जो है ये इसका ग्रीक मीनिंग होता है कॉ, इससे भी आप याद रख सकते हैं, और दूसरा अगर इससे आप नहीं हो पाता है तो बॉबिन, देखिए बॉबिन साउंड्स लाइक डिवाइन, दोनों के अंदर वाइन है वी आई एन ई, इसमें भी वी आई एन ई, बॉबिन डिवाइन। और इंडिया में गाय को तो माता मतलब देवी की तरह माना जाता है, भगवान की तरह माना जाता है, तो डिवाइन थिंग है, तो इससे आप याद कर सकते हैं बॉबिन डिवाइन। फिर है ब्रेविटी, ब्रेविटी होता है सटीक, संक्षिप्त, ब्रीफनेस, कोई बहुत लंबा चौड़ा चीज़ लिखा है उसको सटीक मतलब छोटा फॉर्म में लिख रहे हैं एकदम ब्रीफ में। तो पहला तो नंबर जो मैंने बनाया है ब्रेविटी, ब्रीफ प्लस विटी, जो अपनी बुद्धि से छोटा कर दे, विटी मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमत्ता, तो ब्रीफ अपने बुद्धि से छोटा कर दे, सटीक टाइप का हो गया, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं ब्रीफ प्लस विटी, ब्रेविटी। दूसरा है ब्रीफ प्लस टी सेशन, ब्रीफ को अलग कर दिया प्लस टी, वैसे टी ई ए टी चाय बना दिया टी सेशन, तो टेस्ट क्रिकेट में जब टी सेशन होता है तो वो 20 मिनट होता है, मतलब सबसे छोटा सेशन होता है वो रेस्ट करने का, तो टी टाइम इज शॉर्ट ना छोटा होता है, मतलब सटीक छोटा, इस तरह से आप कर सकते हैं संक्षिप्त, तो ब्रेविटी का ये हो गया। फिर है ब्रॉच, ब्रॉच होता है कोई टॉपिक पे मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं बात करना, चर्चा करना, तो ओपन अप ए सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, चर्चा करना किसी विषय पर। तो नेमोनिक्स जो मैंने इसका बनाया है ब्रॉच साउंड्स लाइक ब्रॉचर, तो ब्रोचर क्या होता है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो आपको एक ब्रोचर दिया जाएगा स्टार्टिंग में, तो ब्रोचर जो है उसका पूरा डिटेल रहता है, मतलब स्टार्टअप रहता है आपका, उस चीज़ के बारे में आप जाने, उस स्कूल कॉलेज के बारे में जाने। तो सो ए ब्रोचर इज ऑलवेज यूज टू इंट्रोड्यूस ए सब्जेक्ट और वी कैन रिमेंबर इट एज ए ब्रोचर इज टू ओपन, मतलब कोई जो सब्जेक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका वहाँ से ओपन स्टार्टिंग होता है, तो आप इससे ब्रोचर, ब्रोचर ब्रोच को ब्रोचर सेलेक्ट करके कर सकते हैं चर्चा करना किसी विषय पर। फिर है ब्रेजन, ब्रेजन मतलब होता है सेमलेस, निर्लज, बेसर। तो नेमोनिस जिसका मैंने बनाया है ब्रा प्लस जेन, बाकी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा तो आपको अजीब लगेगा बट आप में मेरा यही है कि आपको याद हो जाए किसी तरह, तो आप बहुत अच्छा ही है, आप याद ऐसा याद होगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, तो आप इसको पढ़ के आप समझ के याद कर ले। तो ओके फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वोकैब 8 लेक्चर कंप्लीट हो गया, आज 20 ही है हमारा इस लेक्चर में, 20-30 इस तरह से मैं देते रहूँगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें आप लोग, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जितने भी मेरे लेक्चर होते हैं उसका PDF डिस्क्रिप्शन में रहता है, और सारा बुक लिस्ट भी जो मैं फॉलो मैंने खुद किया था और जिससे मैं लेक्चर भी बनाता हूँ, सारा डिस्क्रिप्शन में है, उसका अमेज़न पे लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, और सारा प्लेलिस्ट जितने भी अभी तक वीडियोस हुए हैं उसके सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।